गुड मॉर्निंग बच्चों। बच्चों, आपकी बोर्ड परीक्षा को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने एक सीरीज स्टार्ट की थी, जिसमें हम लोगों ने उन चैप्टर को सॉल्व कराया है जो क्वेश्चन आपकी बोर्ड परीक्षा में कई बार पूछे गए हैं। तो उसी को ध्यान में रखकर हम लोग जो है मानव स्वास्थ्य और रोग के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपकी बोर्ड परीक्षा में कई बार पूछे गए हैं उनको सॉल्व कर रहे हैं। तो उसमें आज हम लोग करेंगे बच्चों, संक्रामक रोग कौन सा होता है और ये रोग कैसे फैलता है, कौन से रोग हैं जो संक्रामक रोगों की कैटेगरी में आते हैं और कौन से रोग ऐसे हैं जो असंक्रामक रोग की कैटेगरी में आते हैं। तो बच्चों, ये क्वेश्चन आपकी बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन आपकी बोर्ड परीक्षा में 14 में पूछा गया है, 15 में पूछा गया है, 17 में पूछा गया है, 18 में पूछा गया है, 19 में पूछा गया है, 20 में पूछा गया, 21 में पूछा गया, 22 में पूछा गया है। तो इस तरीके से देख सकते हैं संक्रामक रोग और असंक्रामक रोग और उनके टाइप में कौन कौन से रोग आते हैं। तो ये क्वेश्चन आपकी बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये क्वेश्चन लगभग हर साल पूछा गया है बच्चों। तो संक्रामक का मतलब ही है कि ये फैलने वाला रोग है, संक्रमित करता है लोगों को। तो संक्रामक रोग वह रोग होता है बच्चों जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में आसानी से फैल जाता है। उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम संक्रामक रोग कहते हैं, या हम कह सकते हैं वो रोग जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को आसानी से संक्रमित कर दे या संचरित हो जाए आसानी से, उन्हें हम संक्रामक रोग कहते हैं। पहला संक्रामक रोग है बच्चों न्यूमोनिया। तो बच्चों, ये न्यूमोनिया होता कैसे है? तो इसका कारक जो होता है, इसका कारक होता है स्ट्रेप्टोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमो नाई या स्ट्रेप्टोकोकस इन्फ्लुएंजी। तो बच्चों, न्यूमोनिया रोग का कारक कौन होता है, इसको कॉज कौन करता है? स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनाई। तो बच्चों, ये न्यूमोनिया रोग होता कैसे है? मान लो कोई पर्सन है, वो उसको न्यूमोनिया ये हो रखा है, डिजीज पर्सन है, उसको न्यूमोनिया हो रखा है। जब ये पर्सन बच्चों छींकता है, जब ये छींकता है तो उसके जो ड्रॉपलेट होते हैं, उसके ड्रॉपलेट जो होते हैं छींक में, उसके जो ड्रॉपलेट निकलते हैं उसमें ये बैक्टीरिया क्या होता है, ये बैक्टीरिया उसके छींक के ड्रॉपलेट में प्रेजेंट रहता है। और जब व्यक्ति छींकता है तो ये ड्रॉपलेट क्या होता है, इन्वायरमेंट में या वातावरण में बच्चों फैल जाता है। तो ये बैक्टीरिया क्या है, उसके ड्रॉपलेट में प्रेजेंट है छींक के, और ये इन्वायरमेंट या वातावरण में फैल जाता है। जब कोई बच्चों स्वस्थ व्यक्ति एयर को अपने अंदर इनहेल करता है, इनहेल करना मतलब एयर अपने अंदर खींचता है, मतलब वो इंस्पायरेशन करता है, तो ये बैक्टीरिया क्या होता है? चूंकि ये बैक्टीरिया वातावरण में फैला हुआ है तो उस व्यक्ति के अंदर जो है चला जाता है। अब ये बैक्टीरिया उस स्वस्थ व्यक्ति के अंदर चला गया। चूंकि बच्चों न्यूमोनिया, न्यूमोनिया किसकी बीमारी है? हम लोग जानते हैं न्यूमोनिया लंग की बीमारी है। तो अब एक स्वस्थ व्यक्ति के अंदर ये बैक्टीरिया चला गया है, तो ये बैक्टीरिया जाके क्या करता है, ये हमारी लंग की अलवेलाई होती है, ये उसकी बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है बच्चों। तो ये बैक्टीरिया क्या करता है, हमारे एल्वेलाई और ब्रोंकाई के अंदर आके जो है रहने लगता है। चूंकि हमने सांस को क्या किया है, इनहेल किया है एयर को, तो जब हम सांस को अंदर खींचते हैं तो ये बैक्टीरिया हमारे श्वास नली से होते हुए कहाँ पहुंच जाता है, हमारे एल्वेलाई और ब्रोंकाई में पहुंच जाता है, जो ये रेस्पायरेटरी सिस्टम का पार्ट है हमारे। तो ये बैक्टीरिया वहां पहुंच के रहने लगता है। अब ये बैक्टीरिया वहां पे क्या करता है, बैक्टीरिया उस एल्वेलाई में क्या करेगा बच्चों, एल्विलाई में क्या करता है, ये बैक्टीरिया वहां पे टॉक्सिन रिलीज करता है। ये बैक्टीरिया जब वहां पहुंच जाता है टॉक्सिन रिलीज करता है। तो बच्चों, जब ये बैक्टीरिया वहां पे पहुंच के टॉक्सिन रिलीज करेगा तो एल्विलाई के पास जो सेल होती हैं वो मरने लगती हैं, मरने लगती
बताया था, जब कोई फॉरेन बॉडी या पार्टिकल कोई भी हो, जब वो हमारे शरीर के अंदर जाता है तो हमारे शरीर पे क्या होती है, एक तरीके से बच्चों शरीर को लगता है कि हमारे ऊपर आफत आ गई है, तो उस टाइम वो क्या करता है, हमारी बॉडी म्यूकस सिक्रीट करने लगती है। चूंकि ये बैक्टीरिया अंदर आ चुका है, अब वो टॉक्सिन रिलीज कर रहा है। जब वो टॉक्सिन रिलीज करता है तो हमारी एल्वियोलाई में जो हेल्दी सेल होती है वो मरने लगती हैं। तो अब हमारी बॉडी समझ चुकी है कि हमारे अंदर कोई फॉरेन पार्टिकल आ गया है, तो वो उस टाइम क्या करती है, उस टाइम वो म्यूकस सिक्रीट करने लगती है। उसको लगता है कि इस म्यूकस सिक्रीट करने से हम इस ऑर्गेनिज्म को कैच कर लेंगे। तो बच्चों अब यहाँ इतना ज्यादा म्यूकस सिक्रीट हो जाता है, यहाँ बहुत ज्यादा म्यूकस सिक्रीट हो जाता है, ये एल्वियोलाई है, यहाँ ऑक्सीजन भरी रहती है। क्योंकि अब यहाँ इतना ज्यादा म्यूकस सिक्रीट हो गया है कि ये ऑक्सीजन इसके आर पार नहीं जा पाती है, तो बच्चों क्या होगा, चूंकि म्यूकस भर चुका है इसलिए ऑक्सीजन आर पार नहीं जा पाती है, तो बॉडी में हमारे क्या होता है बच्चों, बॉडी में ऑक्सीजन की कमी होने लगती है। जब हमारे बॉडी में ऑक्सीजन की कमी होने लगती है तो हमारी बॉडी कैसी दिखने लगती है बच्चों, नीली दिखने लगती है, क्योंकि ऑक्सीजन का एक्सचेंज नहीं हो पा रहा है। तो बच्चों अब हम बताते हैं कि इसके लक्षण क्या आएंगे। अभी तो हमने बताया ये हमारे सेल को कैसे मारती है, फिर म्यूकस सिक्रीट होता है, जब हमारी सेल जान जाती है कि कोई फॉरेन पार्टिकल हमारे अंदर प्रवेश कर चुका है तो वो म्यूकस सिक्रीट करने लगती है। अब हमारे एल्वियोलाई के आसपास इतना ज़्यादा म्यूकस भर जाता है कि वो ऑक्सीजन का एक्सचेंज ही नहीं हो पाता है। जब ऑक्सीजन एक्सचेंज नहीं हो पाता है तो बच्चों हमारी बॉडी कैसी नीली दिखने लगती है। तो इसके लक्षण क्या होते हैं बच्चों, हमने बताया था कि जब भी फॉरेन बॉडी हमारे शरीर में आता है तो उसमें क्या होता है, बॉडी में इरिटेशन होता है। जब हमारे बॉडी में इरिटेशन होगा तो हमको सबसे पहला सिम्टम क्या आएगा, हमको खांसी आएगी, क्योंकि हम लोग सोचते हैं खांसी के द्वारा हम उस पार्टिकल को बाहर निकाल देंगे। फिर धीरे धीरे बच्चों ये खांसी इतनी ज़्यादा होने लगती है कि हमें सांस लेने में दिक्कत होने लगती है, तो ब्रीदलेसनेस की कंडीशन आ जाती है। इसमें क्या होता है, इस दौरान हमको फीवर भी रहता है और ठंड भी लगती है। फीवर के साथ साथ हमारा सर दर्द भी हो जाता है बच्चों, क्योंकि इतनी ज़्यादा जब कंडीशन रहेगी शरीर में कि खांसी आ रही है, सांस नहीं ले पा रहे हैं, बुखार है, तो सिर दर्द होना ही होना है बच्चों। क्योंकि अभी हमने बताया ऑक्सीजन एक्सचेंज नहीं हो पाता है तो इसलिए बॉडी नीली दिखने लगती है। तो सबसे पहले जो हमारे फिंगर नेल्स होते हैं वो नीले दिखने लगते हैं बच्चों। तो अब चलिए हम देख लेते हैं इसको आप थ्योरी में कैसे लिखोगे। तो बच्चों ये जो होता है फेफड़ों में होने वाला एक संक्रामक रोग है जो स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनाई नामक जीवाणु से होता है। ये न्यूमोनिया दो प्रकार का होता है, एक विशिष्ट न्यूमोनिया का मतलब है कि वो एक हेल्दी पर्सन है, उसको पहले से ऐसी कोई बीमारी नहीं हुई है, या हम इसे क्या कहते हैं प्राइमरी न्यूमोनिया। तो ये किससे होता है बच्चों, ये स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनाई नामक जीवाणु से होता है और ये सामान्य श्वसन तंत्र वाले व्यक्तियों में होता है। इसका कहने का मतलब है कि इस व्यक्ति को पहले से इस तरह की कोई बीमारी नहीं हुई है। और द्वितीयक न्यूमोनिया का मतलब है बच्चों उस व्यक्ति को पहले से क्या है, इन्फ्लुएंजा है। चूंकि उस व्यक्ति को पहले से इन्फ्लुएंजा है, ये किस जीवाणु के द्वारा होता है, स्टेफाइलोकोकाई के द्वारा होता है। चूंकि उस व्यक्ति को पहले से इन्फ्लुएंजा है तो इसके फेफड़े जो है इस रोग से पहले से ग्रसित हो चुके हैं। तो अभी हमने लक्षण बताया बच्चों, रोगी को सांस लेने में दिक्कत होती है, बहुत ठंडी चिल लगती है, उसको बुखार रहता है, उसकी भूख भी मर जाती है। अब रोकथाम के उपाय में हम क्या करेंगे बच्चों, रोकथाम के उपाय में संक्रमित व्यक्ति जो है उसको अलग रखना चाहिए, संक्रमित व्यक्ति को अलग रखना चाहिए। और जो संक्रमित व्यक्ति है उसके द्वारा प्रयोग किए गए वस्त्र, बर्तन, बिस्तर, इन सब का प्रयोग एक हेल्दी मनुष्य को नहीं करना चाहिए। घर में और पड़ोस में क्या होनी चाहिए, स्वच्छता होनी चाहिए।
हम देखते हैं दूसरा संक्रामक रोग कौन सा है, जुकाम, या इसे हम क्या कहते हैं हिंदी में, सामान्य ठंड। तो जुकाम भी बच्चों एक संक्रामक रोग है। तो बच्चों ये जुकाम किसके द्वारा होता है, इसका कारक कौन है? इसका कारक है राइनो वायरस। राइनो वायरस के द्वारा ये जुकाम होता है। बच्चों जुकाम में हमारा कौन सा पार्ट इन्फेक्ट होता है? ये राइनो वायरस किसको इन्फेक्ट करता है? हमारे हमारे अपर अपर रेस्पायरेटरी ट्रैक को ये इन्फेक्ट करता है। राइनो वायरस अपर रेस्पायरेटरी ट्रैक में हमारे नोज आते हैं, फेरिंग्स आते हैं और ट्रेकिया तक ही ये इन्फेक्ट करता है। ये हमारे लंग को इन्फेक्ट नहीं कर पाता है बच्चों। तो ये हमारे किसको इन्फेक्ट करता है? अपर रेस्पायरेटरी ट्रैक को। चूंकि अभी हमने बताया था कि ये राइनो वायरस किसका काम करता है, ये फॉरेन बॉडी की तरह काम करता है। जब कोई बच्चों फॉरेन बॉडी हमारे शरीर में आती है, तब हमने बताया था क्या है, हमारी सेल क्या करती है, म्यूकस सिक्रीट करने लगती है। चूंकि अब हमारी सेल क्या कर रही है बच्चों, म्यूकस सिक्रीट करने लग रही है। जब म्यूकस सिक्रीट करने लगती है तो जो एयर पहले पास हो जाती थी, अब वो पास नहीं होती है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि जो हमारी सेल है वो क्या सिक्रीट कर रही है बच्चों, वो म्यूकस सिक्रीट करने लगती है। अब इस म्यूकस की वजह से क्या होता है? म्यूकस की वजह से बच्चों क्या होता है, हमारा जो एयर पैसेज होता है लैरिंग्स ट्रेकिया वाला, ये कैसा हो जाता है? ये सकरा हो जाता है। क्योंकि वहां म्यूकस म्यूकस क्या हो जाता है बच्चों, वहां म्यूकस डिपॉजिट हो जाता है। अब क्या होता है, चूंकि अब म्यूकस डिपॉजिट हो गया है, एयर पैसेज सकरा हो गया है, तो ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉडी में क्या हो रही है बच्चों, ऑक्सीजन बॉडी में कम जा रही है। तो क्या होगा, चूंकि हमारे बॉडी में जो सेल है उनको ऑक्सीजन नहीं मिल रही है, तो हमें क्या होगा, हमें थकान होने लगती है बच्चों। क्योंकि हमारी सेल को क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। जब ये ऑक्सीजन मिलेगी नहीं तो हमें थकान होने लगती है। तो बच्चों ये फैलता कैसे है? ये फैलता इस तरीके से है, मान लो कोई डिजीज पर्सन है, डिजीज पर्सन है, उसको कॉमन कोल्ड हो रखा है, और वो अगर चूंकि इसमें छींक बहुत आती है, छींक बहुत आती है, उसके नाक से भी आंख से भी बहुत पानी बहता है। तो जब वो छींकता है तो ये जो वायरस होता है ये सेम उसी न्यूमोनिया की तरह इन्वायरमेंट में फैल जाता है। जब कोई हेल्दी पर्सन सांस लेता है तो ये उसके अंदर चला जाता है। या हम कह सकते हैं चूंकि इसके नाक से भी और आंख से हर जगह से पानी बहता रहता है, तो इसके जो पानी निकलता है उसमें भी ये वायरस होता है। और जब ये इन्फेक्टेड पर्सन किसी भी आर्टिकल या कोई भी बर्तन या वस्तु होता है उसको छू लेता है, उसके बाद जब कोई हेल्दी व्यक्ति इसको टच करता है तो ये वायरस उसको इन्फेक्ट कर देता है। अभी हमने बताया ये एक संक्रामक रोग है, राइनो वायरस के द्वारा होता है। ये विषाणु कैसे फैलता है? जली जल की कणिकाओं और नाक से जो स्राव निकलता है उसके द्वारा एक दूसरे में फैलता है। इसके लक्षण क्या होते हैं बच्चों? अभी हमने बताया आंख व नाक से पानी आना, खांसी भी होगा, बुखार भी होगा। चूंकि अभी हमने बताया जैसे ही कोई फॉरेन पार्टिकल हमारे शरीर के अंदर आता है, बॉडी में इरिटेशन होता है। इरिटेशन के रूप में बॉडी का पहला रिस्पॉन्स होता है कि वो खांसी के द्वारा उसको बाहर निकालना चाहती है। हाथ पैर व कमर में दर्द रहता है, बेचैनी रहती है, शरीर में कमजोरी लगती है और थकान भी लगती है। थकान क्यों लगती है? क्योंकि शरीर को पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है। तो बच्चों इसके रोकथाम में हम क्या उपाय करेंगे? जो भी संक्रमित व्यक्ति है उससे दूर रहेंगे, उससे दूर रहेंगे। और जो रोगी व्यक्ति है उसको खांसते या छींकते समय क्या करना चाहिए? छींकते समय रुमाल से अपना मुंह ढकना चाहिए, रुमाल से मुंह ढकना चाहिए, जिससे वो वायरस इन्वायरमेंट में ना फैले। और संक्रमित व्यक्ति जो वस्तु यूज कर रहा है, उसके उपयोग से बचना चाहिए, अब हम देखेंगे बच्चों एलर्जी। एलर्जी कैसा रोग है? एक असंक्रामक रोग है। ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलता है। तो बच्चों ये एलर्जी किसके कारण होता है? कुछ एलर्जन होते हैं, जो हमारे वातावरण में
प्रेजेंट होते हैं और कुछ व्यक्ति इस एलर्जन के प्रति क्या होते हैं, सेंसिटिव होते हैं। जब वो इस एलर्जन के संपर्क में आते हैं तो उनको सिम्टम कुछ आने लगते हैं। अभी हम सिम्टम आपको बाद में बताएंगे बच्चों। तो ये एलर्जन जो वातावरण में होते हैं वो कौन से एलर्जन हो सकते हैं? कुछ लोगों को पॉलन ग्रेन से एलर्जी होती है, कुछ लोगों को डस्ट पार्टिकल से एलर्जी होती है बच्चों, कुछ लोगों को स्पोर से एलर्जी होती है, कुछ लोगों को फीडर से एलर्जी होती है। तो जो ये एलर्जी काज करने वाले एलर्जन है ये वातावरण में प्रेजेंट होते हैं। जब सेंसिटिव व्यक्ति इनके संपर्क में आता है तो उसको एलर्जी हो जाती भैया है। तो इसके हम मैकेनिज्म बताते हैं बच्चों। हमारी बॉडी में क्या होता है बच्चों, IgE एक एंटीबॉडी होती है। एंटीबॉडी होती है जब कोई एलर्जन एलर्जन हमारे शरीर में आता है तो ये IgE जो एंटीबॉडी होती है वो इस एलर्जन को क्या कर लेती है, उस एलर्जन के आते ही वो समझ जाती है कि कोई एलर्जन हमारे शरीर के अंदर आ चुका है। तो ये क्या करती है, ये जाके मास्ट सेल से जुड़ जाती है। फिर ये दोनों मिलके क्या करते हैं, ये दोनों मिलके टारगेट करते हैं किसको, एलर्जन को, एलर्जन को। अब ये तीनों कंबाइंड हो जाते हैं, IgE प्लस मास्ट सेल प्लस एलर्जन। अब ये तीनों कंबाइंड हो जाते हैं बच्चों, तो क्या होगा, जब ये तीनों कंबाइंड हो जाते हैं तो ये बाहर से कैल्शियम को शरीर के अंदर आने देते हैं और जो ये मास्ट सेल होती है वो क्या सिक्रीट करती है, हिस्टामिन, सीरोटोनिन और इओसिनोफिलिक कीमोटैक्टिक फैक्टर ये रिलीज करती है। हिस्टामिन का काम क्या होता है बच्चों, वैसोडाइलेशन। वैसोडाइलेशन मतलब डायलेट कर देना बस ब्लड वेसल को। सीरोटिन का काम होता है वैसो कॉन्स्ट्रिक्टर मतलब ब्लड वेसल को कॉन्स्ट्रिक्ट कर देना। तो इस तरीके से बच्चों ये एलर्जिक रिस्पॉन्स हमारे शरीर में होता है। इसमें सिम्टम क्या आते हैं, लक्षण की बात करें हम तो जो एलर्जी होती है ये हमारे स्किन और जो हमारी म्यूकस मेम्ब्रेन होती है नोज और आई की, जनरली उनको अफेक्ट करता है। कुछ लोगों को बच्चों किससे एलर्जी होती है, कॉटन कपड़ों से एलर्जी होती है। जब वो कॉटन कपड़े पहनते हैं तो उनके शरीर में खुजली होने लगती है और शरीर में लाल कलर के, लाल रंग के चकत्ते भी निकल आते हैं, चकत्ते निकल आते हैं। चूंकि अभी हमने बताया ये म्यूकस मेम्ब्रेन को अफेक्ट करती है तो जब वो एलर्जन के संपर्क में आते हैं तो उनके नाक से क्या होता है, उनको छींके आने लगती हैं, छींके आती हैं, लगातार छींके आती हैं और आँख से और नाक से पानी बहने लगता है बच्चों, पानी बहने लगता है। चूंकि अभी हमने बताया ये एलर्जन एक फॉरेन बॉडी की तरह काम करता है जो हमारे शरीर में जाता है, तुरंत इरिटेशन होता है तो हमारी बॉडी इसको निकालने के लिए कफ खांसी आने लगती है हमको। फिर बॉडी क्या सिक्रीट करती है, म्यूकस भी सिक्रीट करने लगती है बच्चों, जिससे हमें क्या होता है डिफिकल्टी, सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगती है हमको। तो चलिए अब देख लेते हैं इसके कारक। अभी हमने बताया पर्यावरण में कुछ मौजूद कण होते हैं जैसे पराग कण हो गए, चींटी हो गया और हमने बताया था स्पोर हो गया, धूल के कण हो गए, फीडर्स हो गया। तो हम में से कुछ लोग इनके प्रति अधिक संवेदनशील होते हैं, जैसे ही वे इनके संपर्क में आते हैं तो कुछ लोगों के शरीर में खुजली होने लगती है, कुछ लोगों की म्यूकस मेम्ब्रेन अफेक्ट होती है तो उनके आंख और नाक से पानी आने लगता है। तो बच्चों इसे हम एलर्जी कहते हैं, ये एक असंक्रामक रोग है। इसमें क्या होता है बच्चों, लक्षण के रूप में नाक से पानी बहता है, छींक आती है, शरीर में खुजली होने लगता है। अभी हमने बताया कॉटन से अगर किसी को एलर्जी है तो उसके शरीर में खुजली होती है, और भी चीजों से एलर्जी हो सकती है, शरीर पे लाल रंग के दाने व चकत्ते पड़ने लगते हैं। तो बच्चों इसके रोकथाम के उपाय क्या हो सकते हैं, यदि हम बच्चों किसी ऐसी जगह पर जाएं जहां धूल के बहुत कण हों और पराग के कण हों जिससे हमें एलर्जी है, तो वहां जाने से पहले हमको क्या करना चाहिए, हमको मास्क
मुंह पे मास्क लगाकर जाना चाहिए। और अगर स्किन की कोई एलर्जी है तो शरीर को पूरी तरह ढक कर निकलना चाहिए। तो बच्चों, इस तरीके से आज हम लोगों ने संक्रामक रोगों में दो संक्रामक रोग के बारे में पढ़ा, न्यूमोनिया और जुकाम के बारे में, और एक असंक्रामक रोग एलर्जी के बारे में पढ़ा। तो बच्चों, यदि आपको कोई भी डाउट हो तो आप उसको कमेंट सेक्शन में लिख के हमसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।